हे गाइस, आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं एंड आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरा नाम है रशीद अंसारी और आज हम बात करेंगे एमसीयू 22 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। प्रीवियसली अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जहां पे मैंने आपको एमसीयू 22 का जो दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। राइट नाउ आई एम विद द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर जो पेपर है उसमें से जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर अभी मेरे पास है। सारे ही हैं बट अभी मैं फिलहाल आपको सिर्फ एक लेक्चर में तो एक ही करा पाऊंगा ना, तो पहले वाले क्वेश्चन का मैं सॉल्व अभी आपको बताने वाला हूँ, उसको समझाने वाला हूँ कि क्या उस क्वेश्चन में पूछा गया है और क्या आपको आंसर जो है एग्जामिनेशन में लिखना है। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट टाइम भी आया था और ये बहुत ही न्यू सब्जेक्ट है एम कॉम के लिए, तो उम्मीद ये है कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होंगे। इन जनरल भी क्वेश्चन दो तीन रिपीट हो ही जाते हैं प्रीवियस सेशन से, इवन मैं बोलना चाहूंगा तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये पहला क्वेश्चन हम करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस लास्ट सेमेस्टर में आए थे जो कि पहला एग्जाम था उसका दिसंबर 2022 में, वो पहला एग्जाम था एमसीयू 22 का, तो उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। इसके नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बुक्स में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मुझे लगे मैं उनके उसके ऊपर बनाया हुआ है, प्लस ये जो क्वेश्चन है अभी आपको दिख रहा है क्वेश्चन पेपर एमसीयू 22 का उसका सॉल्व हमारे पास अवेलेबल है। वी विल गिव यू द होल यू नो नोट्स इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन पेपर सॉल्व। अगर आपको चाहिए आप मुझसे डायरेक्टली कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पे विच इज 8101065300। मुझे यहाँ मेंशन कर देना चाहिए था बट डोंट वरी, ये लिंक आपको जो है फोन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा फोन नंबर, एज वेल एज आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि टेलीग्राम ग्रुप है एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, पेड ग्रुप है क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ज्यादा बच्चे नहीं चाहता हूँ जो इन यू नो उल फलूल चीजें जो है पूछे मुझसे, तो वहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो कि एग्जाम को लेकर के काफी सिंसियर हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सिंसियर हैं, बिकॉज वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे उन सबको वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ऑन डिमांड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, असाइनमेंट्स वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आपको नोट्स सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज पर पेपर में मिल जाएगा जो कि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो 300 रुपीज पर पेपर था। सो वी हैव रिड्यूस्ड इट बाई यू नो लॉन्चिंग आर टेलीग्राम ग्रुप, उसको लॉन्च करने के बाद हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि नोट्स की प्राइसेज जो हम लोग ज्यादा नहीं रखेंगे। एंड यस, असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रही है इफ यू विल ज्वाइन दैट ग्रुप। एंड जो भी नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर लेक्चर्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब के माध्यम से। अगर आपको वन ऑन वन क्लासेस करनी हो तो वो हम कर सकते हैं जूम पे, इनकेस अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप उनसे बात कर सकते हैं। एंड यस, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, और कुछ मुझे नहीं कहना, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। एक चीज और बताना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो में जब भी डालूं तो आपसे वो मिस ना हो, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना है ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो पाए। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाउ डिस्क्राइब द फोर स्टेट्स ऑफ डिसीजन एनवायरनमेंट इन मैनेजरियल एप्लीकेशन व्हिच इज द मोस्ट प्रेवलेंट स्टेट, गिव रीजंस विद एग्जांपल। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम इन जनरल समझना चाहें तो डिसीजन एनवायरनमेंट इन मैनेजरियल एप्लीकेशन, मैनेजरियल एप्लीकेशन की बात तब होती है जब हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। फिलहाल हम एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव में मैं बात करता हूँ आपसे। सपोज आपसे पूछा गया कि आपने सोफा खरीदना है तो उसकी साइज क्या होगी, मतलब आपके घर में जो जगह है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है लेना पड़ेगा, है ना। जो भी आपका घर का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। सपोज आपने एसी खरीदना है तो एसी कितने टन का होगा, है ना, ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा। तो ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपका एनवायरनमेंट के हिसाब से फिर आपको जो है अपना डिसीजन लेना होता है ना। इन जनरल में अगर मैं ये बात कहूँ तो ये पॉसिबल है। मैनेजरियल एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो बिजनेस में तो बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने होते हैं, राइट। अब आपको ये डर लगेगा कि भाई ये डिसीजन मैं लूंगा तो ये पता नहीं सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, तो उस केस में आप क्या करने की कोशिश करते हो, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हो ताकि डिसीजन जो हो वो आपके आपका जो डिसीजन हो वो सबसे बेस्ट हो, जो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन है वो आपने उस टाइम पे लेना है। बट उसके लिए आपको अपने एनवायरनमेंट को रीड करना, समझना, पेस्टल करना, पेस्टल एनालिसिस एक एनालिसिस होती है तो वो सारी चीजें करना, SWOT एनालिसिस एक एनालिसिस होती है वो चीजें करना, मल्टीपल ऑप्शंस हैं चीजों को करने का, बट आपको एनालाइज मेन जो है वो करना है ताकि आपका डिसीजन जो है वो सही रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो चार तरह के आउटकम निकल करके आते हैं। जनरली आउटकम नहीं बोलना चाहूंगा, एक्चुअली चार पॉइंट्स हैं आप कह सकते हो जिसके बेसिस पे फिर आपको जो है डिसीजन वगैरह लेना, या जो डिसीजन आप लोगे उसका इम्पैक्ट वो किस तरीके से होगा, ठीक है ना। वो चार पॉइंट्स क्या है मैं करके आपको बताऊंगा। अब इन चारों में जो मोस्ट प्रेवलेंट स्टेट है ना, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है कि आपने लेना है कि नहीं लेना है,
मैं 1 मिनट में चारों पॉइंट पहले बता देता हूँ। पहला है सर्टेनिटी, कि आप सर्टेन हो कि ये चीज मैं करने वाला हूँ और इसका आउटकम ये निकलेगा। दूसरा है रिस्क, आप सर्टेन नहीं हो, ठीक है ना, आप सर्टेन नहीं हो बट स्टिल आप रिस्क लेना चाह रहे हो कि हो सकता है कि इसका आउटकम बहुत अच्छा निकले। ओके, तो ये दूसरा स्टेट हो गया, स्टेट ऑफ माइंड हो गया। तीसरा हो गया कि अनसर्टेनिटी, जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ हो सकता है कि ये बेकार चला जाए, हो सकता है ये चले ही ना बिल्कुल भी। और चौथा है एम्बिग्युइटी, मतलब दो राय जो बोलते हैं ना, दो राय, दो तरह की राय। ओके ओके, मतलब आप फंस गए हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या आपने करना है। तो ये चार स्टेट ऑफ माइंड्स होती हैं जो आपने समझना है इस वीडियो लेक्चर में, एक एक करके आपको बताऊंगा। और इसमें से सबसे प्रेवलेंट कौन सा है, मतलब आपके दिमाग में ऐसा कौन सा इन चार में से स्टेट ऑफ माइंड होगा जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट होगा, जो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, है ना। तो आप सोच करके देखो, इन चारों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो रिस्क वाले में होती है। तो सबसे प्रेवलेंट स्टेट रिस्क वाला होता है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई डिसीजन लेने वाले होते हो, आपको पता नहीं होता कि उसका क्या आउटकम निकलेगा, बट आपके पास प्रॉपर डेटा होता है कि ये इसके बेसिस पर अगर मैं ये चीजें कर रहा हूँ तो आउटकम जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बट स्टिल आप रिस्क लेते हो। आप सोच के देखो, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी तरह के डिसीजन में आपको रिस्क वाला स्टेट ऑफ माइंड हमेशा रहता है। क्योंकि अगर आप सर्टेन हो तो आप तुरंत ले लोगे, अनसर्टेन हो तो हो सकता है आप नहीं लोगे, और दो राय हो तो बंदा नहीं लेता है वो। मैं प्रैक्टिकली मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैं दो राय वाले सिचुएशन पे मैं कुछ डिसीजन ले ही नहीं पाता हूँ, बहुत दिक्कत होती है आगे जाकर के, मुझे फिर आइडिया ड्रॉप करना पड़ता है। लेकिन रिस्क वाला जो स्टेट है वो सबका होता है, और रिस्क लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक करके हम करेंगे इसको, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नाउ। सो दीज फोर स्टेट्स ऑफ द डिसीजन एनवायरनमेंट इन मैनेजरियल एप्लीकेशंस आर, सबसे पहला है सर्टेनिटी। आप यहाँ पे सर्टेन हो कि ये चीजें जो है होंगी, अगर मैं ऐसे करूंगा तो आउटकम मेरा ये निकलेगा, ठीक है ना, सर्टेनिटी। सो इन दिस स्टेट द डिसीजन मेकर हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम, इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स एंड देयर प्रोबेबिलिटीज। इस वाले स्टेट में क्या होता है, जो डिसीजन मेकर होता है, सपोज मैं डिसीजन मेकर हूं, मैं डिसीजन लेने वाला हूं, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास प्रॉब्लम का कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा। जो भी प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है, जिस प्रॉब्लम के ऊपर मुझे डिसीजन लेना है, उस प्रॉब्लम के बारे में मेरे पास तकरीबन सारी जानकारी होगी। तकरीबन क्या, सारी जानकारी होगी, इंक्लूडिंग क्या पॉसिबल आउटकम्स निकल सकते हैं। सोचो मुझे वो भी पता है कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं तो क्या क्या हो सकता है भाई, तो वो भी मुझे पता है और उसकी प्रोबेबिलिटीज भी मुझे पता है। तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेने में क्या दिक्कत होगी, नहीं होगी, क्योंकि आप सर्टेन हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई यही होने वाला है। द आउटकम ऑफ द डिसीजन इज नोन विद सर्टेनिटी, जो आउटकम है डिसीजन का वो नोन होता है विद सर्टेनिटी, क्योंकि आपको पता है कि क्या आउटकम निकलने वाला है। रिस्क वाले में ऐसा नहीं होगा, खैर बाद में बात करेंगे। For example, a manufacturer knows exactly how much it will cost to produce a product, how much revenue it will generate, and what the profit margin will be. Example के तौर पे यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि एक manufacturer है जो कि किसी product को manufacture कर रहा है, उसको exactly पता है कि उस product को तैयार करने में उसको कितने रुपए लगेंगे, है ना? कितना पैसा वो market से कमा पाएगा, क्योंकि selling price भी उसको पता होती है, और कितना profit उसके पास बचेगा, उसका profit margin कितना होगा, वो सारी चीजें उसको पता है। ये जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सर्टेनिटी वाला है। दूसरा है रिस्क। इन दिस स्टेट द डिसीजन मेकर हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मेरे पास सारी जानकारी है, बट प्रोबेबिलिटीज ऑफ द डिफरेंट आउटकम्स आर नोन, सॉरी अननोन होगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स की वो आपको एक तरीके से अननोन है, आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या होने वाला है। द आउटकम ऑफ द डिसीजन कैन बी प्रिडिक्टेड विद सम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, आप उसको, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, माफी चाहूंगा, अननोन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो, लेकिन जो भी यू नो आप प्रिडिक्ट करोगे, जब आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली आप प्रिडिक्ट करोगे अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से कि भाई ये हो सकता है, ओके? तो फॉर एग्जांपल मैं देखो, अ बिजनेस माइट इन्वेस्ट इन न्यू प्रोडक्ट लाइन नोइंग दैट देयर इज अ 60% चांस ऑफ सक्सेस एंड 40% चांस ऑफ फेलियर, समझ रहे हो आप? आपको पता नहीं है कि आपका आउटकम क्या निकलेगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ द यू नो इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप सम डिग्री तक उसको एक तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर मैं ये काम करता हूं तो 60% जो है आपका सक्सेस हो सकता है, 40% जो है वो फेलियर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस माइट इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, एक बिजनेस जो है एक नई प्रोडक्ट लाइन को स्टार्ट करना चाह रही है, एक नए तरह का प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस करना चाह रही है, बट उनको ये पता नहीं कि प्रोबेबल आउटकम क्या निकलेगा, बट दे स्टिल नो कि 60% चांस जो है इसका ये सक्सेस होने का है, कि हो सकता है कि 60% चल जाए और 40% ना चले, ठीक है। अनसर्टेनिटी, In this state, the decision maker has come incomplete information. यहाँ पे आप information आपके पास है ही नहीं, and the probabilities of a different outcomes are unknown.
यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज है वो अननोन है, ठीक है। वहां पे देखो नोन था है ना, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी नोन एक सम एक्सटेंट तक है, इसलिए मैं वहां पे अननोन ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप चाहो तो नोन लिख सकते हो। लेकिन अगर आप नोन लिखोगे तो आपको ये वाला पॉइंट भी लिखना पड़ेगा कि कुछ हद तक नोन है, 60% नोन है कि चल जाएगा, 40% नहीं चलेगा, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी के वाले के केस में आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, और दूसरा क्या क्या आउटकम निकलेगा, क्या होगा ये आपको एकदम ही नहीं पता होता। द आउटकम ऑफ द डिसीजन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद एनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जो आउटकम है वो आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस माइट डिसाइड वेदर टू एक्सपेंड इन टू अ न्यू मार्केट विद नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट कंडीशन और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। एग्जाम्पल में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक बिजनेस जो है हो सकता है वो एक्सपेंड करने के बारे में सोचे, सपोज वो पहले दिल्ली में काम कर रही, वो सोचे कि वो मुंबई में जाकर के काम करना चाहती है, जबकि वहां के बारे में उनको उनके पास ज्यादा जानकारी नहीं है, मार्केट कंडीशन क्या है, कंज्यूमर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मतलब कंज्यूमर प्रेफरेंसेस क्या है, ये आपको पता नहीं है, है ना। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी रहेगी ही रहेगी। एम्बिग्युटी वाली पॉइंट में चले आते हैं। इन दिस स्टेट द डिसीजन मेकर हैज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एंड इट इज नॉट इवन क्लियर दैट व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट। एम्बिग्युटी वाले केस में आपको डिसीजन जो मेकर होगा, मैं हूँ सपोज, तो मुझे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है बट इनकम्प्लीट है, और दूसरा ये भी क्लियर नहीं है कि इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास वो मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं है, तो यहाँ तो बहुत बड़ा कंडीशन हो गया। यहाँ तो जनरली इस स्टेट ऑफ माइंड में जनरली आदमी कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, दो राय होता है वो डिसीजन नहीं ले पाता। द आउटकम ऑफ अ डिसीजन इज कम्प्लीटली अनसर्टेन, जो आउटकम होगा वो कम्प्लीटली अनसर्टेन है। फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस माइट ट्राई टू डिटरमाइन हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ रैपिडली चेंजिंग मार्केट वेयर इट इज डिफिकल्ट टू नो व्हाट फैक्टर्स आर ड्राइविंग द चेंजेस और हाउ लॉन्ग दे विल लास्ट, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ समझाने की कोशिश की है कि बिजनेस जो है वो कोशिश कर सकता है डिटरमाइन करने का कि किस तरीके से जो मार्केट जो चेंज हो रहा है किस तरीके से उसके ऊपर जो है यू नो रिस्पॉन्ड करना है, बट यहाँ पे ये चीजें बहुत ही डिफिकल्ट हैं क्योंकि आपको नहीं पता होता कि किन फैक्टर्स के कारण जो है मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं और वो चेंजेस कब तक चलेंगे मार्केट में, ये अभी आपको नहीं पता होता है। तो एम्बिग्यूटी वाला सिचुएशन जो है वो ये वाला होता है, ठीक है ना। जो बड़े पोस्ट पे होते हैं वो एम्बिग्यूटी वाला स्टेट ऑफ माइंड भी उनका होता है। जनरली हम लोग एम्बिग्यूटी की तरह नहीं सोचते क्योंकि हम लोगों के पास वो कंडीशन नहीं होता है ना, उस तरफ हम जाना ही नहीं चाहते, उस तरफ हम जाते ही नहीं है, ठीक है ना। तो डिसीजन मेकर की तरफ से बिजनेस में ये चीजें जो है वो होती हैं। अब बात हो रही थी कि मोस्ट प्रेवलेंट कौन सा है, तो मोस्ट प्रेवलेंट स्टेट ऑफ डिसीजन एनवायरनमेंट इन मैनेजरियल एप्लीकेशन इज द रिस्क स्टेट, जैसा मैंने बताया था। दिस इज बिकॉज मेनी बिजनेसेस डिसीजन इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, बट एट द सेम टाइम प्रोबेबिलिटीज कैन ऑफन बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस और अवेलेबल डेटा। जो प्रोबेबिलिटीज है कि फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबल आउटकम निकल सकता है, वो जानकारी आपके पास कुछ हद तक होती है क्योंकि आपके पास पास्ट एक्सपीरियंसेस होता है, जैसा कि मैंने रिस्क वाले पॉइंट में बताया था, क्योंकि आपके पास डेटा कुछ हद तक अवेलेबल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी माइट यूज हिस्टोरिकल सेल्स डेटा, क्या कर रहा है, पिछले साल का जो डेटा है, पिछले कुछ सालों का जो डेटा है उसको लेकर के वो एस्टिमेट कर रहा है, एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कैसा होने वाला है, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिमांड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट डिसीजंस, ये अंडरस्टैंड करने के बाद कि किस लेवल ऑफ रिस्क जो है उनको झेलना पड़ेगा, मैनेजर्स कैन मेक मोर इन्फॉर्म चॉइसेस, वो और अच्छे तरीके से अपने चॉइसेस को इन्फॉर्म कर पाएंगे, मतलब चीजों को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, एंड एलोकेट द रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली, और अपने रिसोर्सेज को भी ठीक तरीके से एलोकेट कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है भाई तो ये PDF मैं शेयर कर देता हूँ, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां पे समझ लो अच्छे तरीके से। नहीं समझ में आता है स्टिल, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे बात कर लेना, फोन करके मैं समझा दूंगा, ठीक है। And so let's meet in our next video. Till then, bye-bye.